नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीरज जोशी। मौसम का मिजाज उत्तराखंड राज्य में बीते कई समय से शुष्क ही बना हुआ है। सुबह और शाम की ठंड के बीच दिन के समय चटक धूप के खिले होने से तापमान भी सामान्य बना हुआ है, लेकिन अब मौसम विभाग ने ठंडे में इजाफा होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में अगले चार दिन शीतलहर चलने वाली है, जिसके चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। ऐसे में मौसम विभाग द्वारा राज्य में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा मैदानी इलाकों में घना कोहरा और पहाड़ी क्षेत्रों में पाला पड़ने का अनुमान जताया गया है, जिसके चलते ठंड में काफी हद तक इजाफा होने के आसार हैं। इसके साथ ही कोहरे के बीच लोगों को सावधानी पूर्वक सफर करने की हिदायत दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक उधम सिंह नगर समेत राज्य के अन्य कई मैदानी इलाकों में मंगलवार यानी कि आज से लेकर अगले चार दिनों तक शीतलहर चलेगी। इसके साथ ही अगले कुछ दिन न्यूनतम तापमान में 18 डिग्री से ज्यादा का अंतर हो सकता है, लिहाजा स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखने को कहा गया है। इसी वजह से सभी जिलों में येलो अलर्ट भी जारी कर लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। तो मौसम से जुड़ी इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।